न्यूज के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट। रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावणवाड़ी में। जिला वार्षिक योजना के तहत वर्ष 2022-23 इस चालू वित्तीय वर्ष के लिए सर्वसाधारण योजना से भंडारा जिले को कुल 157 करोड़ रुपयों का निधि उपलब्ध कराने की घोषणा राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने की है। गुरुवार 20 जनवरी को उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के वर्ष 2022-23 की वार्षिक योजनाओं का जायजा लिया। इस समय वह बोल रहे थे। इस समय पालक मंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त निधि की मांग की गई। स्थानीय जिलाधिकारी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में विधायक राजू कारेमोरे, जिलाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, जिला नियोजन अधिकारी एस के बोरकर व सभी विभाग प्रमुख व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इस समय उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण राज्य के उत्पादन में कमी आई है। मांग को देखते हुए कुल 157 करोड़ रुपयों का निधि उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम, नक्सलग्रस्त क्षेत्र के विकास निधि को मिलाकर कुल 249 करोड़ रुपए देने की बात पवार ने कही। बताया गया है कि वर्ष 2021-22 में जिला वार्षिक योजना के 150 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था। इसमें से दिसंबर माह अंत तक 71.47% निधि खर्च की गई। जिला नियोजन के अनुसार वर्ष 2022-23 में जिले में 111.95 करोड़ के खर्चे की जानकारी शासन को दी गई। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।